मतलब जैसे कहते हैं ना कि बंदे को सेकंड हैंड पे एक बार ट्रस्ट नहीं होता, तो बंदा ये कहता है कि यार मार्केट में और भी बेटर है तो हम आपके पास क्यों आए, मतलब एक रीजन। उसका रीजन ये है कि तुम एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं लेते यार गाइस, सबसे बड़ी बात है, और ना ही बेचते हैं। अच्छा आप कभी किसी को हमारे यहाँ भेज के भी देखिए, अगर एक्सीडेंटल गाड़ी होगी तो हम उस गाड़ी को परचेज ही नहीं करेंगे। हमारा चैनल आप देख के आएंगे तो भैया उस चीज को भी कंसीडर करेंगे और रिकॉर्ड पूरा रखा जाएगा आपका। चैनल का नाम लेकर अगर आप आएंगे तो और डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा। स्विफ्ट डिजायर, आपको सबसे पहले मैं नंबर दिखाता हूँ, नंबर देख के आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये अभी नई सीरीज है और मतलब गाड़ी जो है वो भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये जो है हमारी 2019 मॉडल है, मैं एक बार इस पर आपको बैक लुक दिखाता हूँ। ये गाड़ी जो है वैसे ही हमारी कितनी डिमांड में रहती है, काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है और आप देख ही सकते हैं ये इसका कुछ बैक लुक है। तो एक बार चल के मैं इसका आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। और ये जो मॉडल रहने वाला है वो है हमारा VXI, पेट्रोल में ये मॉडल रहने वाला है और गाड़ी की रनिंग भी बहुत ही कम हुई है, जो कि 11,000 केवल, ये गाड़ी जो है वो 11,000 चली हुई है। ये यहाँ से आप इंटीरियर का लुक देख सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल लगभग पूरी नई गाड़ी है, ये देख के आपको लग ही रहा होगा। एक बार मैं रियर से इसका आपको लुक दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये स्टीयरिंग में इसके कंट्रोल्स भी दे रखे हैं, ये देखिए आप। तो चलिए गाइस एक बार रियर सीट पे चलते हैं। ये देखिए गाइस एसी वेंट, चार्जिंग सॉकेट, ये रियर सीट से इसका फ्रंट का लुक। तो गाइस ये है इसका रियर लुक, देख सकते हैं आप गाड़ी बहुत ही साफ है। गाड़ी का जो डिमांड है वो है 6,40,000 रुपए, जो कि फुली नेगोशिएबल है, आप आके डील अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो गाइस अगली गाड़ी हमारी जो होने वाली है वो ये रेडिगो होने वाली है डेटसन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब एक छोटी सी गाड़ी है, आपको कहीं पार्किंग वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप छोटे छोटे एरिए में गलियों में कहीं भी इसको लेके अपना जा सकते हैं। और अगर मैं उसकी बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं चली हुई है, ये गाड़ी जो है केवल हमारी 19,000 चली हुई है, 19,700 समथिंग। तो गाइस ये गाड़ी बिल्कुल अभी नई है, बहुत कम चली हुई है, 2019 मॉडल है और ये इनबिल्ट इसमें स्टीरियो है। एक बार मैं रियर से भी इसका लुक आपको दिखा देता हूँ और आप इसका मीटर भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस बैक से इसका ये हमारा जो है लुक आ जाता है इसका डैशबोर्ड का। और पीछे भी अगर मैं स्पेस की बात करूं तो पीछे भी अच्छा खासा स्पेस है, मतलब आप आराम से दो बंदे बैठ सकते हैं, तीन नहीं बैठ पाएंगे बहुत कंफर्टेबली, लेकिन दो बंदे, जैसा कि छोटी गाड़ी है बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका, लेकिन आप बैठ सकते हैं इजीली। और इसकी भी मैं बात करूं तो गाज़ियाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। और ये हमारा 2019 मॉडल है। और अगर मैं इसके डिमांड की बात करता हूँ तो आपके ये इस गाड़ी की जो हमारी डिमांड है वो है 2.5 लाख रुपए, और वो भी नेगोशिएबल है, आप आके उसको भी अपने डील को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस अगली गाड़ी जो है हमारी होने वाली है ये बलिनो, जो कि ये हमारा डेल्टा मॉडल है और ये डीजल में है। और ये जो है हमारा UP13 रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं इसका नंबर। तो गाइज अगर मैं इसकी गाड़ी की बात करूं तो इस पर आफ्टर मार्केट काम हुआ हुआ है। आप अगर मैं व्हील, आप एक बार देखिए इसका व्हील का लुक देखिए, मैं साइड से पहले आपको दिखाता हूं। और अलॉय व्हील भी इसमें इंस्टॉल कराए हुए हैं। और जो ये टायर साइज है जो इसमें लगाया हुआ है वो 17 इंच है। तो यार गाड़ी में तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा काम करवाया हुआ है, बाकी DDIS आप समझ सकते हैं डीजल गाड़ी है ये। अंदर से मैं एक बार इसकी आपको लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की। तो गाइस कंट्रोल की बात करूं, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, स्टीरियो कंपनी फिटेड है। बाकी बैक से मैं एक बार आपको इसकी भी लुक दिखा देता हूँ। सीट कवर आप देखेंगे, सीट कवर भी काफी अच्छे लग रहे हैं इसके, मतलब इंटीरियर को मैच करते हुए। तो गाइस इसमें भी आपको जो है वो चारों बटन पावर विंडो के मिलने वाले हैं, लॉक अनलॉक, मिरर एडजस्टिंग, और ये ORBM इसमें ऑटो फोल्ड आप कर सकते हैं।
बैक की बात करें तो बैक से अगर आप देखेंगे तो बैक से इस तरीके का इसका गाड़ी का लुक आ जाता है। और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यार अच्छा खासा स्पेस है इस गाड़ी में, लेग स्पेस भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। और यहाँ ये एक चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। तो गाइज गाड़ी आपने देख ली, एक बार मैं इसका आपको बैक लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी हमें क्या इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं। ये आप देखिए इसमें कैमरा भी इंस्टॉल है, रियर वाइपर अवेलेबल है, और जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ इसमें गाड़ी में इंस्टॉलेशन है। तो गाड़ी जो है वो हमारी 45,000 चल चुकी है और इसकी जो डिमांड है वो है हमारी 6.5 लाख रुपये। नेगोशिएबल है, आप आके अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी पसंद आएगी। सो गाइज अगली गाड़ी हमारी होने वाली है मारुति की सियाज, जो कि 2014 मॉडल है और ये VDI मॉडल है। मैं गाड़ी की आपको कंडीशन दिखाता हूँ बैक साइड से इसका, आप देखिए ये लुक। और कलर आप देखिए, कलर बड़ा प्यारा है यार गाड़ी का, ब्राउन। मैं एक बार इसका आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ। तो गाइस गाड़ी का इंटीरियर देखते ही बड़ी प्रीमियम लुकिंग एक आती है। आप इसका लुक देखिए, मैं एक बार रियर से भी इसका आपको लुक दिखाता हूँ। तो गाइस ये बैक साइड से इसका रियर लुक, बाकी ये पीछे आपको एसी वेंट भी मिल जाएंगे, चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। गाड़ी अगर आपको पसंद आती है तो आप ये यहाँ पे आके अपनी डील ट्रैक कर सकते हैं। और प्राइस का जो गाड़ी का आस्किंग प्राइस है वो 4,60,000 रुपये है, जो कि पूरा नेगोशिएबल है। आप यहाँ पे आके अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी पसंद आती है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। तो गाइस अगली गाड़ी जो होने वाली है ये भी हमारी सियाज है, और सियाज का ये VDI मॉडल है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाइट कलर में है, और वाइट कलर तो आपको पता है कितना डिमांडिंग में रहता है और उतना ही अच्छा लगता है। तो ये भी 2017 मॉडल है हमारा, और जो 61,000 चल चुका है। बाकी मैं एक बार अंदर चल के आपको उसका इंटीरियर दिखाता हूँ। और ये गाड़ी जो है वो मैं ऑलरेडी आपको नंबर दिखा चुका हूँ, वो नोएडा रजिस्टर्ड है गाड़ी। तो गाइस कुछ इस तरीके का हमारा इसका इंटीरियर लुक आता है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये इसमें ये 7D मैट भी लगा हुआ है, तो मतलब गाड़ी में काम तो हुआ है। आपको मुझे लग रहा है कि कुछ भी इसमें काम कराने की जरूरत नहीं है। कंपनी फिटेड स्टीरियो है, अगर आप चाहते हैं तो इसको अपग्रेड करा सकते हैं। और यहाँ पे आर्मरेस्ट का आपको फीचर मिल जाता है। बाकी एक बार मैं बैक से आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। तो गाइस इसमें भी आपको बैक में जो है वो रियर एसी वेंट मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। आगे से आप इसकी लुक देख सकते हैं कि आगे से फ्रंट से ये कैसा दिखता है। और गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, और गाड़ी का आप नंबर देख सकते हैं, ये नोएडा रजिस्टर्ड है। गाइस तो उसका लुक देख सकते हैं आप, ये भी वाइट कलर का है, VDI हमारा मॉडल है, और VDI मॉडल में ये 53,000 गाड़ी हमारी चल चुकी है। एक बार मैं इसका आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो गाइस ये इसकी हमारी गाड़ी की अंदर से लुक हो गई, और ये 2018 मॉडल है, और कंडीशन आप इसकी भी देख सकते हैं, इसकी भी काफ़ी साफ है। और जो है आपको स्टेयरिंग ये फ्लैट बॉटम में आपको मिलेगा, यहाँ पे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, फोन आप फोन पिक वगैरह कर सकते हैं अपना। इसी के साथ साथ मैं आपको इसकी रियर लुक भी दिखा देता हूँ। तो गाइस बैक से जो है वो हमारी गाड़ी की कुछ इस तरीके से लुक आ जाती है। आप देखिए गाड़ी की मतलब कितना साफ है, कितना गाड़ी में बिल्कुल भी मतलब आपको काम कराने की ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी की जो डिमांड है वो मैं अभी आपको लास्ट में बताता हूँ। गाड़ी वाइट कलर में है, कंडीशन आपको ने देख ही ली है। एक बार मैं आपको टायर और उसका दिखा देता हूँ। गाड़ी की कंडीशन और टायर सब कुछ ओवरऑल इसका काफ़ी कुछ अच्छा है गाड़ी का। और यही आपको जो गाड़ी की डिमांड है वो हमारी 6,80,000 है, जो कि नेगोशिएबल है। आपको गाड़ी अगर पसंद आती है तो आप यहाँ पे आके अपनी डील इसको क्रैक कर सकते हैं। सो गाइस अगली गाड़ी जो हमारे होने वाली है वो भी XUV 500 है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में है ये भी गाड़ी। और गाड़ी में आपको जो मिलने वाले हैं वो आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी फिटेड अलॉय है ये भी। और ये जो मॉडल है वो हमारा W8 रहने वाला है,
एक बार से मैं इसके आपको बैक लुक भी इसका दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आ गए हम बैक लुक की तरफ। इसका बैक लुक आप देखिए, इसमें रियर वाइपर भी दिया हुआ है और ये W8 की आपको बैजिंग भी मिल जाएगी इसमें। तो गाइस हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और इसके बारे में बात करते हैं और इसका मैं आपको इंटीरियर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, सीट कवर जो है वो लेदर है और काफ़ी इसकी कंडीशन अच्छी है, साफ गाड़ी है। इंटीरियर आप देख ही सकते हैं इसका। कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल भी रहने वाला है। तो गाइस इसमें एक बार मैं आपको बैक से इसका लुक दिखा देता हूँ। गाड़ी जो है वो हमारी 70,000 किलोमीटर की चल चुकी है। तो गाइस हम आ गए हैं गाड़ी की बैक सीट पे, लुक आप देख ही सकते हैं और बैक से ही हमारे फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है। ये आर्मरेस्ट वगैरह के लिए दे रखा है और ये यहाँ पे बैक में स्पेस। तो गाइस फाइनली आते हैं, ये जो गाड़ी है हमारी 2012 मॉडल है, 70,000 किलोमीटर ये चल चुकी है और जो इसकी जो हमारी जो हमारे इसका आस्किंग प्राइस है वो है हमारा 5.5 लाख रुपए, जो कि नेगोशिएबल होने वाला है। आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप भी यहाँ पे आके अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं, भैया के पास आके मिल सकते हैं। तो गाइस अगली गाड़ी जो हमारी होने वाली है वो है एटियोस लीवा, टोयोटा की गाड़ी है और ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आती है। टोयोटा अपने आप में ही कितना अच्छा नाम है और जो रजिस्टर्ड है वो गाज़ियाबाद रजिस्टर्ड है। नंबर आप देख ही सकते हैं। एक बार मैं इसका बैक लुक आपको दिखाता हूँ गाड़ी का। तो गाइस चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर चल के इसकी डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर और अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पे आके आप अपनी डील भी क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस ये जो गाड़ी है वो हमारी पेट्रोल में होने वाली है और जो कि 40,000 चली हुई है और गाड़ी का जो डिमांड है वो 4,40,000 रुपए डिमांड है, जो कि फुली नेगोशिएबल है।